नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर से सवालात करते थे, उम्मत को इजाज़त दी गई है कि वो अपने उलमा से, अहले इल्म से, जी शऊर लोगों से मुशावरत करे, और जिस चीज़ का इल्म नहीं है वो उस शोबे के माहिर से जाकर उसके मुतल्लिका वो राय ले। बहुत ज़बरदस्त मुफ्ती भी हो, जय्यद किस्म का आलिम हो, किताब व सुन्नत पर, सीरत पर, तसव्वुफ़ पर उसकी पूरी दस्तरस भी हो, तो फिर भी उसे हुक्म है कि अगर वो बीमार है तो वो डॉक्टर से रुजू करे, उससे वो सवाल पूछे, अपनी तसल्ली करे और अपने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक वक्त गुजारे। लेकिन वो ज़रूरत का, बेतुक्का नहीं, गलत नहीं, बहस के लिए नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी हौसला अफजाई इन अल्फाज के साथ फरमाई है जो अबू दाऊद शरीफ में मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहालत से निजात हासिल करने का ज़रिया सवाल है, सवाल पूछो ताकि तुम्हारी जहालत दूर हो जाए। लेकिन उसके कुछ कायदे, कुछ ज़ाबते, कुछ उसूल हैं। हमारे यहाँ कुछ अरसे से ये रुझान हुआ है कि अभास, कसरत सवालात, ऐसी बातें जिनका उस इंसान से जो सवाल पूछ रहा है दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, बेमाना और बेमकसद और बेमहल गुफ्तगू, बेमौका बातें, ये रुझान पकड़ती जा रही हैं सोसाइटी के अंदर। हर शख्स को तजज़िया निगार बना दिया गया है, हर शख्स को आलिम बना दिया गया है, हर शख्स को डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी की राय दे रहा है। उसका नुकसान ये हुआ है कि मुल्क तेज़ी से गैर मुस्तहकम होता चला जा रहा, बिगड़ते बिखरते टूटते ख्यालात, बहुत ज़्यादा जब बातें होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा जब बहसें होने लग जाती हैं तो वो नफ़रतों को जन्म देती हैं, वो अज़ियत का बायस बनती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद आप देखिए तो सूरह बकरा में से जो आया करीमा मैंने आज तिलावत की है खुतबे में, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अम तुरीदून अन तसअलु रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, क्या तुम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी उसी तरह ही सवाल करना चाहते हो जिस तरह हज़रत मूसा की कौम ने उनसे किए थे, जिस तरह पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया था, तुम भी मेरे रसूल से उसी तरह सवाल करने का इरादा रखते हो। कभी बनी इसराइल वालों ने कहा कि हमें पत्थर से पानी निकाल के दिया जाए, कभी कहा कि हमें खाना मन्नो सलवा दिया जाए, कभी कहा कि हम उस वक़्त मानेंगे जब रब को एलानिया देख लेंगे, क्या तुम मेरे रसूल से भी उसी तरह ही सवाल जवाब करना चाहते हो? ज़रूरत के लिए सवाल ज़रूर करें, यह पहला ही सिपारा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, मुबारका है, एक शख्स ने अपने कज़न को, अपने चचा के बेटे को, चचा जात को कत्ल कर दिया और ख़ुद ही उसका मुद्दई बन के हज़रत मूसा के पास आया कि बताइए जनाब मेरे इस भाई को किसने कत्ल किया है। हज़रत मूसा ने एक सादी सी बात की, क्या फ़रमाया, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, गाय का कुछ हिस्सा मकतूल को मारो, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। ये पहला सिपारा है कुरान मजीद का, आप इसको देख लें, ये आयत नंबर 67 से शुरू हो रहा है। तो अब वो चूँकि ज़िबा करना नहीं चाह रहा था, उसको पता था कि मुजरम तो मैं खुद हूँ, वो ज़िबा चूँकि करना नहीं चाह रहा था तो उससे कहा कि मारो एक हिस्सा गाय का, इसको तो ये उठ के बता देगा। तो उसने जवाब क्या दिया, कालू अतखिज़ूना हुज़ुआ, कहने लगा आप मेरे साथ मजाक करते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है, काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, हर वक्त मजाक करते रहना ये तो जाहिलों का तरीका है। किन का है? हज़रत मूसा ने कहा है, कुरान पाक है, हर वक्त मजाक करते रहना, खुश तभी और चीज़ है मुस्कुराते रहना, लेकिन किसी का मजाक हर वक्त उड़ाते रहना किन का तरीका है? जाहिलों का। जब कहा नहीं ज़िबा करनी है तो अब ज़रा देखिए, करना नहीं ना चाह रहे, का लुद उलना रब्बका युबैहिलना माहिया, कहने लगे ए मूसा फिर आप ना रब से दुआ करें कि वो ज़रा खोल के बताए वो गाय किस तरह की हो, इरादा नहीं ना ज़िबा करने का, आप दुआ करें। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला फारिदुम वला बिक्र, फ
फरमाया कि रब कहता है वो गाय ना बूढ़ी हो ना ज़्यादा बछिया हो, आवानुम बई नज़ालिक, इनके दरमियान हो, यानी जवान गाय हो। फफ अलू मात उमरून, करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कालुद उलना रब का युबिल्लना मा लऊनुहा, लो अगली बात सुन लो। कहने लगे आप दुआ करें रब से कि वो खोल के बताए उसका रंग किस तरह का हो, रंग बताएं किस तरह का हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफरा, फरमाया रब फरमाता है कि सफरा रंग की हो, यानी गहरे जर्द रंग की हो। ये रब फरमाता है इस तरह की गाय ज़िबा करो। फाकि लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, और जब कोई उसे देखे तो उसे अच्छा भी लगे, आँखों को अच्छी लगे वो गाय, इस तरह की गाय ज़िबा करो। लो इतनी बातें बता दी। कालुदूलना रब्बका युबय्यिल्लना माहिया, कहने लगे नहीं आप फिर दुआ करें अल्लाह ज़रा खोल के बताए गाय किस तरह की हो। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, हमें ज़रा गाय पर शुबा पड़ गया है किस तरह की ज़िबा करनी चाहिए। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हम हिदायत पा जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द, गाय इस तरह की हो कि वो कभी खेती में ना चलाई गई हो, यानी उसको कभी काम ना उससे लिया गया हो। बैल को लोग लगाते थे ना, जो काम आज ट्रैक्टर से लिया जाता है वो गाय बैल से लिया जाता था, तो वो खेती बाड़ी के काम ना उसको लगाया गया हो। वला तस्किल हर्स, और ना उससे पानी निकाला गया हो, ना खेत चलाने हल चलाने में लगाई गई हो, और वो जो कुआँ होता था जिसके गिर्द गायें घूमती थी, तो कहा वो भी काम उसने ना किया हो गाय ने। मुसल्लमतुल्ला अशिया तफीहा, वो हर ऐब से पाक होनी चाहिए। कालुल आन अजेत बिल हक, अब कहने लगे अब आप सही बात लेके आए, अब सवाल ख़त्म हो गए ना। कहने लगे अब आप बात, फजाबहूहा, उन्होंने ज़िबा कर दी। व माँ कादु यफअलून, पर ऐसा करते नज़र आते, लगता नहीं था करेंगे ज़िबा पर ज़िबा। अच्छा ये गायें फिर मिली कैसे? इमाम खाजिन कहते हैं कि एक नेक आदमी था, तो उसका आखिरी वक्त आ गया, तो उसके पास जो कुल जमा पूंजी थी वो एक बछिया थी, गाय की बच्ची, बछिया वैड़ी, उसके पास वो एक बछिया थी सिर्फ। तो उसने इस तरह किया कि उसकी गर्दन पर एक मोहर लगाई अल्लाह के नाम पर, बतौर अमानत उसने उसको जंगल में छोड़ा, कहा या अल्लाह मेरा बेटा एक ही है वो भी छोटा है, इसकी हिफाजत करना और मेरे बेटे को पहुंचा देना। बच्चा बालिग हो गया, उसकी माँ ने कहा बेटा जो अमानतें रब के पास रखवाई जाएँ ना उनमें खयानतें नहीं हुआ करती, जा जा के जंगल में आवाज़ दे तेरी गाय वापस आ जाएगी। उसने जाके जंगल में आवाज़ दी कि वो जो मेरे बाप ने अमानत रखवाई थी वो किधर है। वो निशान लगी हुई गायें दौड़ती हुई उसके पास आई। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब रब बंदोबस्त करे, जब अल्लाह बंदोबस्त करे तो फिर मामला और होता है। वो गाय आ गई, अब उसने क्या किया उस नौजवान ने कि वो गाय घर लाया, माँ से आके कहा कि अम्मा ये तो अल्लाह ने फजल कर दिया। माँ कहने लगी पुत्र हालात हमारे ख़राब हैं, मंडी में ले जा इसे बेच दे, लेकिन सौदा मेरी मर्ज़ी के बगैर तय ना करना। किसकी मर्ज़ी के बगैर? किसकी? अम्मा की मर्ज़ी। और सुनो यार, थे कुछ लोग जिनको लोगों ने ताने भी दिए कि तू माँ के पीछे लग गया है, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, पर जो माँ की मर्ज़ी पे लगें नाकाम नहीं होते ज़िंदगी में। ये देखो माँ की मर्ज़ी पे लगा, उसकी कीमत कितनी थी गाय की? बड़ी महंगी थी, पर 3 दिनार की थी। मंडी में ले गया, 3 दिनार उसकी कीमत लग गई। तो माँ ने कहा था मेरी मर्ज़ी के बगैर सौदा ना करना। अब बच्चे तो नहीं ना मानते, अम्मा को क्या पता बार बिजनेस क्या है, लेन देन क्या है, पर माँ ने कहा था मेरी मर्ज़ी, बंदा दे रहा है उसे 3 दिनार। उसने कहा जी मैंने तय तब करना है, डन तब करना है, पहले अम्मा से पूछना है। घर जाके अम्मा से पूछा, अम्मा कहने लगी दे दे। वापस आया तो उसने कहा कि मैं 6 दिनार देता हूँ, पर मेरी शर्त है माँ से नहीं पूछना। उसने कहा तू 12 भी दे, डन तब भी होना है जब अम्मा ने कहना है। वो जब इस तरह की उसने गुफ्तगू की, वापस अपनी वालदा के पास गए, कहने लगे अम्मा समझ नहीं आती, 3 दिनार की गायें बंदा 12 में ख़रीदने को तैयार है, शर्त लगाता है कि अम्मा से नहीं पूछना। तो वालदा कहने लगी पुत्र पहले उससे जाके पूछ क्या वो है कौन, ये कोई रूहानी मामला है,
कोई गैबी मदद है, पूछ। उससे जाके पूछा तो वो कहने लगा, मैं तो फरिश्ता हूँ अल्लाह का, तूने गायें बेचनी नहीं इसलिए कि तेरा बाप भी नेक है, तेरी माँ भी नेक है, रब तेरे रिस्क में बरकत पैदा फरमाना चाहता है। माँ बाप नेक हो ना, रिस्क में बरकत हो जाती है। माँ बाप नेक हो, उनकी सालहियत का असर पहुँचता है बच्चों तक। रिस्क हलाल कमा के लाने वाले हों तो घर में बरकत होती है। जाके कहा कि तेरे माँ बाप नेक थे, इसे ना बेचना गाय को, तो क्या करें? कहने लगे बनी इसराइल वाले सवाल कर करके ना कर करके खुद मुश्किल में आ गए। अब वो ऐसी गाय जो जवान भी हो, यहाँ तो हर गरीब आदमी अपनी गायें यहाँ लगा देता है खेती बाड़ी में, यहाँ लगा देता है कुएं में पानी निकालने में, तो यहाँ तो हर एक की गायें, तो ऐसी गायें जिसका रंग भी इतना प्यारा हो, ज़्यादा बूढ़ी ज़्यादा बची भी ना हो और अभी तक खेत में भी ना लगी हो, वो सिवाय तेरे कहीं नहीं है। उसने कहा चल फिर मेहरबानी कर, बता मैं कितने को दूँ गायें, अगर वो आ जाएँ तो कितने को बेचनी है? उसे कहना कोई नहीं, रेट तो ज़्यादा करना ही नहीं। उनसे कहना गाय के अंदर से गोश्त निकाल दें और जितना गोश्त है उतने पैसे भर दें, उसकी खलड़ी भर दें। अब वो बनी इसराइल वाले ढूंढते 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 पहुंच गए, कहा जनाब गायें 3 दिनार किया 6 ले लो। उसने कहा ना भाई, ज़िबा करूंगा, गोश्त निकालूंगा, जितना वज़न गोश्त का है इतने पैसे भरोगे खाल में तो फिर गाय तुम्हें मिलेगी। अब मजबूर थे, क्या करते। इब्ने कसीर हदीस लाए हैं, इमाम सयूती ने दुर्रे मंसूर में भी लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो जवानों और इसे दिल की तख्ती पे लिखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बनी इसराइल वाले ज़्यादा सवाल ना करते तो इतनी मुश्किल का शिकार ना होते। इन्होंने सवाल इतने किए कि चारा नहीं है अब इनके लिए, चारा नहीं है अब इनके लिए कि ये इधर उधर जा सके, मजबूरी बन गई। यही गाय खरीदनी है, यही ले जानी है। अब इतना सारा माल जमा करके वो गाय खरीदी, ज़िबा की, तो मकतूल को जब उसका एक हिस्सा मारा तो उसने उठ के कह दिया ये जो मुदई बना हुआ है ना, यही तो मेरा कातिल है, यही तो मेरा कातिल है, यही तो है इसने ये सारा काम किया। तो ज़्यादा सवालात करना, बहुत ज़्यादा सवालात करना, हर वक्त बहस में रहना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो 3 चीज़ों से हमेशा बचो, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। एक तो फरमाया कसरत किलो काल से बचो, ज़्यादा बहसें ना करो, और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल को ज़ाया करने से बचो, और तीसरा फरमाया ज़्यादा सवाल ना किया करो, ज़्यादा सवाल ना किया करो। एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज फ़र्ज़ है। एक साहब ने उठ के पूछा हुजूर हर साल, हुजूर खामोश हो गए। फिर पूछा हुजूर हर साल, सरकार खामोश हो गए। तीसरी बार फिर पूछा हुजूर हर साल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़्यादा सवाल ना किया करो, मेरे मुंह से निकल जाता ना हर साल फ़र्ज़ है तो रब ने हर साल फ़र्ज़ कर देना था, तुम्हारे लिए मुश्किल होती। और फरमाया जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें हुक्म दूँ वो कर दिया करो, और जिस चीज़ में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ उसमें आज़ाद हो जाया करो, ज़्यादा बारीकियों में न जाया करो। जिन लोगों ने भी बारीक बन के चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए ना, उलझ गए, तंग आ गए। और जो किसी एक दरवाजे के फ़कीर थे, एक दरवाजे के फ़कीर थे, एक दरवाजे के फ़कीर थे, किसी एक राह से खैरात लेते थे, ज़्यादा उलझाओ नहीं पैदा किया उन्होंने। मैं कह चुका हूँ इल्म हासिल करने के लिए सवाल ज़रूर करें, लेकिन बहस के लिए और उलझाओ पैदा करने के लिए, नई से नई राह तलाश करने के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है जिसको पढ़ के इंसान बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस तरह भी होता है। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बुखारी मुस्लिम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, हुजूर की आदत मुबारक थी, जहाँ मौका आया हुजूर बैठ गए, हुजूर ज़मीन पे जलवा फिराज थे। सहाबा किराम ने सवाल पूछने शुरू किए, सवाल पूछने शुरू किए, ये भी बताएं ये भी बताएं। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कुछ सवालात शुरू किए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात किए कसरत से। तो
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सवालात, जब ज़्यादा सवाल हो गए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ना मिंबर पे बैठ गए। फरमाया पूछो जो तुम्हारा जी चाहता है मैं बताऊँगा, पूछो, करो सवाल करो। एक शख्स ने उठ के अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया हुज़ाफ़ा। दो लोग और उठे, या रसूलल्लाह हमें लोग ताने देते हैं, हमारा बाप? फरमाया तुम्हारा बाप वही है जिसकी तरफ तुम मंसूब हो, उसी बाप की जायज़ औलाद हो। एक बंदा और उठा, उसका लहजा भी कुछ इस तरह का था, कहने लगा हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? कई दफ़ा ना चीज़ें राज में रहें तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन जिनको राज खोलने का शौक़ हो उनके अपने भी खुल जाया करते हैं, उनके खुल जाते हैं, फिर वो तकलीफ में आते हैं। याद रखें, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं करीम बोले, मोर लगने लगी, हम कांपने लगे। हुजूर ने फरमाया तू जहन्नम में जाएगा, दोज़खी है तू। बस जब वो सन्नाटा छा गया, अब डर था कि कुछ और बातें ना, ये कसरत सवालात की वजह से हुजूर नाराज हो गए। कहते हैं फटाफट हजरत उमर उठे, फटाफट, और कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की, जनाब उमर थे ना, आए उमर तेरे जुमलों पे मर जाऊँ, उन राहों पे कुर्बान जहाँ से उमर चलते थे, हर हुक्मरान तेरी बात करता है पर उमर तेरे एक एक फैसले पे मेरी औलादे कुर्बान। ऐसा भी शख्स कोई पलट के दुनिया में आएगा जैसा खत्ताब के घर उमर पैदा हुआ? हजरत फारूक आजम उठे, यूं हाथ बांधे, रो पड़े, कहने लगे ना हुजूर, ना रदीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सैयदना व मौलाना मुहम्मदन नबीयम व रसूला। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सोनिया बड़े राजी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है, या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी बना के भेजा है। हुजूर बड़े यूं हाथ बांधे, ना साडा बोले आ चोले आ माफ करी, गलती हो गई हुजूर जवानों से, नहीं ऐसा हुजूर, ना इससे ज्यादा कोई पर्दा ना खुल जाए कि रदीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबीयम व रसूला। ओ ज़रूरत के लिए सवाल ज़रूर पूछा जाए, हुजूर पसंद करते थे, लेकिन बहस में उलझ जाना, हर वक्त दीन को तख्ताए मश्क बना लेना, हर वक्त मेरा दिल तड़पता है, कभी कभी सोचता हूँ ये मेरे नबी पाक का दीन है, क्या ये सिर्फ दुनिया में बहस के लिए आया? जिसको चार लफ्ज आए उसने मेरे हुजूर के दीन को ज़रिया बहस बना लिया, सुबह भी बहसें शाम भी बहसें। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने जो ताइफ में रोड़े खाए थे वो इसलिए कि उम्मत बैठ के बहसें करें, इसलिए इमाम अली मकाम ने सारा घराना करबला में दे दिया कि तुम बहसें करो, अमल कब करेंगे? करो बहस, सुबह भी करो, हर बंदा करे, मौलवी भी करे, मुफ्ती भी करे, मुनाजर भी करे। और चलो उलमा तो कभी इलाए कलमतुल हक के लिए कोई गुफ्तगू कर भी ले, हर चौक चुराहे में बहस, हर जगह मुनाजरा, खुदारा बिला जरूरत तो छोड़ दे, बिला वजह तो छोड़ दे, कभी तो मान कर चलने का मिजाज बना ले, कभी तो कबूल कर ले। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयम व रसूला। हुजूर बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, आप हमारे नबी हैं, हुजूर हम बड़े ही राजी हैं, हम पर करम नवाजी हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए, उमर बैठ जाना, रब तेरे ऊपर रहम फरमाए। और फिर फरमाया उमर ये रब ने तुझे ही तौफीक दी है, ये तुझे तौफीक मिली है, तो इतनी ज़्यादा पैसे। मैं कभी कभी कुछ सवालों के जवाब देने को जी नहीं ना चाहता। आप जो सवाल कर रहे हैं वो पता है हुजूर के एक अजीम सहाबी के बारे में कर रहे हैं, आप उन पर बहस करना चाहते हैं, आप उनको तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं, जी नहीं करता, वो हस्ती ऊंची है, ना भाई ना, दिल नहीं मानता, ख्याल नहीं पैदा होता। हम तो उन बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं जो हुजूर की अजवाज का और चारों बेटियों का नाम लेते थे तो वुजू करके लेते थे, वो तो बातें करते थे तो डर डर के करते थे, कहते थे तौबा तौबा तौबा, हम कहाँ और वो लोग कहाँ। लेकिन आज
हर आदमी को बहस का शौक आया है, हर शख्स है जो कहता है मुझे भी तीन बातें आती हैं, मैं भी थोड़ा सा मुफ्ती हूँ, मेरी भी सुन लो। अपनी ज़िंदगी में इतना दरवाज़ा बहस का ना खोलें, इतना उलझाओ ना पैदा करें, और ऐसे बेजा ला यानी और बेमकसद सवालात से अपने आप को बचाएं जिनमें इंसान पड़े तो उसके लिए उलझाओ बढ़ जाए। बाज़ सवालात ऐसे भी हुजूर से किए गए कि सरकार ने उन पर सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया, फरमाया इस सवाल की क्या हाजत। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा सीखने के लिए मसला ज़रूर पूछें, सीखने के लिए। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कब्र में हमसे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन सुबह शाम बहस होती है उस पर, हमारा कोई उस मसले में लेना देना नहीं, लेकिन हम बहस करने को सुबह शाम तैयार हैं। अल्लाह ताला बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर दाता अली हजवेरी और इन मशायख और इन बुज़ुर्गों की इस धरती पर फजल फरमाए, और इस वतन को अल्लाह कयामत की सुबह तक आबाद फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम